हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। रमज़ान की आमद आमद है, बल्कि हमारे यहाँ तो आज तीसरा रोज़ा है। आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे आम का शरबत, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये मैंने कच्चे आम ले लिए हैं 3, और उसको बारीक बारीक काट लिया है। ये खट्टे नहीं है, मीठे आम हैं। अगर आपके आम खट्टे हैं तो उसको बॉईल करके पानी उसका निकाल लें। मैंने 3 आम लिए हैं और 2 टेबलस्पून जो है वो मैं शुगर लूँगी, और 2 चुटकी के बराबर इसमें काला नमक जो है वो ऐड कर लूँगी, और इसको ग्राइंडर कर लूँगी अच्छी तरह से। ये बहुत ही मज़े का बनता है और गर्मी के दिनों में ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको रोज़े के टाइम बनाएं, ख़ुद पिएं, आप दूसरों को सर्व करें। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर कर लिया है और ग्लास में हम लोग आइस ऐड कर लेंगे। ये मैंने इसमें आइस ऐड करके जूस को ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको जैसे मर्ज़ी डेकोरेट करें। बहुत जल्दी और बहुत ही मज़े का बन जाने वाला जूस है, जो कि आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट में आप बना सकते हैं। आप अक्सर फ्रिज में आम तो पड़े ही होते हैं चटनी बनाने के लिए, तो आप उसके साथ जूस भी उसका बनाएं, इंजॉय करें, ख़ुद पिएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आप लोगों को मिलूंगी। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।